ओके बेटा, तो आज हम बिल्कुल एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब बेसिकली यू कांट से एक नया चैप्टर है, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की और सब में, उनमें तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर ही इंक्लूडेड होगा, लेकिन अदरवाइज बुक्स में अलग अलग चैप्टर बनाए होते हैं, तो इसमें आपका टॉपिक क्वालिटेटिवली डिफरेंट हो जाता है। अब देखो, ज़्यादा डिटेल में तो हमें जाना नहीं है ये वाले चैप्टर्स में। ये वाले चैप्टर्स में आपको बीटेक एमटेक में जाना होता है ज़्यादा डिटेल्स में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो तो आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं हीट ट्रांसफर, है ना। तो मिनट, तो यहाँ पर जैकेट उतार दो ना। अब देखो, अब हमें पता है कि हमने अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमने हीट को ट्रांसफर किया। कैसे ट्रांसफर किया भाई? मेरे पास स्टीम भी थी और वाटर भी था, तो मैंने स्टीम को वाटर के साथ रिलेट किया और उसके कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हीट ट्रांसफर तो हुआ है। लेकिन हीट ट्रांसफर कैसे हुआ है और उसकी हमने क्या क्या हमने उसकी टेक्निक यूज़ की है, वो सब चीज़ों को हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीट ट्रांसफर, तो इट विल बी लाइक, यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। कहने का मतलब, पिछली अभी जो कल वाली क्लास हुई उसमें मैंने आपको क्या कहा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट का ट्रांसफर तो पिछली क्लास में भी कर दिया था हमने, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर हमने अब टाइम लेकर आए, हम रेट को लेकर आए। जैसे आपकी चाय पड़ी है यहाँ पे और उसने हीट ट्रांसफर कर दी, चाय गर्म थी, हीट ट्रांसफर हो गई, आपकी जो एयर है उसके सराउंडिंग में वो गर्म हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो हीट उसने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कितने टाइम में आपकी हीट ट्रांसफर होगी, दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू आंसर इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो मतलब इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो डी क्यूब बाय डी टी, दिस इज व्हाट यू वुड बी स्टडिंग टुडे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू डॉट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा बाकी चीज़ों में नहीं जाते, डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर्स। तो यहाँ पर आ गया मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में मेरे पास यहाँ पर तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी, ठीक है जी। तो अब इन तीनों मेथड्स को डिटेल में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद कंडक्शन। तो कंडक्शन जो होती है, अभी आपको पता ही होगा कि कंडक्शन क्या होता है, सॉलिड के अंदर यूज होता है व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टर, विद द हेल्प ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर। तो द मोड ऑफ द कंडक्शन इज, मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज कंडक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं आप इसमें ये लिख दो, व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, विद द हेल्प ऑफ
सॉलिड कंडक्टर द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज, ठीक है, कंडक्शन क्या है जी, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जब आपकी जो हीट है वो इस तरह से ट्रांसफर हो के सॉलिड के अंदर में से जाए। तो यहां पर क्या होता है, दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, या स्टार्ट्स नहीं लिख सकते आप बिकॉज इट इज ऑलरेडी वाइब्रेटिंग, किसी ना किसी टेम्परेचर पर तो है ही ना, तो दे आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग, तो यू कांट राइट कि स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड यू लिख लो, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मोर विगरसली, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड starts vibrating more vigorously and transferring the vibratory energy to the next molecules। ठीक है, मतलब आपने जैसे हम तो कुकिंग में क्या होता है हमारे पास, लाइक एक वेसल है यहाँ पे, एंड लेट अस से दिस वेसल इज हॉट, और हमने यहाँ पर इसको एक कुकिंग जब करते हैं तो कड़छी नहीं होती हमारे पास, उसी तरह से, तो लेट अस से मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली, तो उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, पहले वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, उसके बाद उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो वो जो इसके बगल वाला होगा उसको डिस्टर्ब करेंगे, ये इसके साथ वाले को डिस्टर्ब करेंगे, ये इसके साथ वाले को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि यदि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the kinetic energy of the molecules, ठीक है ना, तो आपका जो molecule है उसकी kinetic energy के directly proportional होते हैं, ये आगे हम KTG में पढ़ेंगे और तब आपको इसका formula भी derive करना होगा कि what is the relation between the temperature of the gas and the kinetic energy of the molecules। तो अब हम solid की बात कर रहे हैं तो solid में molecules can't move, तो they have to vibrate at the same location। यहां पर ये वाला पॉइंट भी नोट करना है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, ठीक है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, वो वहीं पर रुके रहेंगे। कन्वेक्शन होती है जिसमें हवा चलती है, तो उसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, दे मूव समवेयर, बट अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो मॉलिक्यूल जो यहां था वो यहीं पे है। दी ओनली थिंग इज के पहले वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा था और अब वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज द थिंग। पहले थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, अब ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज द थिंग। लेकिन मीन पोजिशन चेंज नहीं होती, तो ये आपके पास बन जाता है कंडक्शन। समझ आ गया बेटा कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम, इज दैट फाइन। अब इसके बाद गुड, अब इसके बाद हम करते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। यार इसको ना ग्रीन में लिख देते हैं, बस ये याद रखना है कि जो हम अब टॉपिक कर रहे हैं ना इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता सब कुछ, ठीक है, तो वही चीज हमने देखनी है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कभी भी पहले नहीं बताई होती हीट ट्रांसफर। अब लॉ ऑफ कंडक्शन ये कहता है, मेरे पास मान लिया जाए कि मेरे पास एक कंडक्टर है यहां पे पड़ा, और कंडक्टर की ये शेप है,
ठीक है। ठीक है, और यहाँ लगा लो यू। ठीक है, तो दिस इज ए कंडक्टर। अब ये कंडक्टर का क्या सिस्टम होगा, इसकी एक जगह पर मैं टेम्परेचर देता हूँ, तो लेट मी कॉल इट टी वन, और दूसरी जगह पर जो टेम्परेचर है दैट इज टी टू, एंड टी वन इज गिवन एज मोर देन टी टू, तो ऑब्वियसली टी वन से ही टी टू की तरफ हीट फ्लो करेगी, तो हीट विल फ्लो लाइक दिस। ओके, तो हीट ऐसे फ्लो करने लगेगी। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड द लेंथ ऑफ दिस इज गिवन एज एल। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस इज टी वन माइनस टी टू। तो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है ना, आप यूँ कह सकते हो कि बाय एक्सपेरिमेंट लिया, यहां पर लिखते हैं कि इन स्टेडी स्टेट। बेटा स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम नथिंग चेंजेस, मतलब जितनी मर्जी हीट फ्लो करती रहे, ये वाला टेम्परेचर टी वन था तो टी वन ही रहेगा, और ये वाला टेम्परेचर टी टू था तो टी टू ही रहेगा, कुछ मर्जी होता रहे, तो कंटिन्यूस फ्लो होता जा रहा है, कंटिन्यूस फ्लो होता जा रहा है। ठीक है ना, जैसे आप सोच के देखो कि आप एक बाल्टी भर रहे हो, तो बाल्टी भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, मतलब वो बाल्टी कभी एक्चुअली में भर नहीं रही, वाटर इज फ्लोइंग इन टू इट बट वो कभी भर नहीं रही। उसी प्रकार यहाँ पर हमने इस तरह से स्टेडी स्टेट मान लिया, स्टेडी स्टेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी वेरी नहीं होगा। ठीक है ना, तो टेम्परेचर आपका वेरी नहीं होगा, सोर्स का टेम्परेचर टी वन था टी वन ही रहेगा, सिंक का टी टू था टी टू ही रहेगा। ठीक है, तो इन स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज फाउंड टू बी, अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप यू लिख लो ए, फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है स्पीड उतनी ज्यादा है स्पीड। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्वियसली एरिया, जितनी ज़्यादा चौड़ी दीवार होगी उतनी हीट ज़्यादा लॉसेज होंगे, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितना कम होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी। अब मान लो आपकी दीवार है, अब मैं बोलूँ कि बाहर बड़ी ठंड है और मुझे अंदर ठंड लग रही है, लेट से ये दीवार को मैं चौड़ा कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे गर्मी लगने लगेगी। इट इज़ लाइक कि आपने एक चादर ली हुई है और एक आपने रजाई ली हुई है, अगर आप रजाई ले लोगे सेम मटेरियल की तो गर्मी लगने लगेगी ना, तो थिकनेस आपका ज्यादा हो जाएगा, तो उससे आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, नथिंग एल्स। तो इसमें आ गया आपके पास बब्बू, तो इसमें आ गया आपके पास डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ा मुझे, एरिया लगाना पड़ा, टी वन माइनस टी टू लगाना पड़ा, डिवाइडेड बाय एल लगाना पड़ा, तो ये आ गया। नाउ के इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस के इज हैविंग अ स्पेशल नेम एंड वी कॉल इट कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यस, कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये बन गया के। ठीक है, और कॉफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जैसे आप मान लो हम नहीं कहते कि आयरन इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, तो कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो के से आपको फाइंड होता है, तो के का मतलब है कंडक्टिविटी, जैसे आपके रेजिस्टेंस में होता है ना, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि भाई इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो करंट को पास नहीं होने देता, इस वायर की कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, कंडक्टेंस अच्छा है तो ये करंट को पास होने देगा, उसी प्रकार हीट के लिए भी होता है, तो हीट इज अ काइंड ऑफ करंट, करंट
करंट क्या है, करंट भी तो एक एनर्जी का फ्लो है, उसी प्रकार आपके पास हीट भी एक एनर्जी का फ्लो है। तो यहां पर मेरे पास के आ जाता है, तो के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? और के यूनिट्स आपको मैं बता देता हूं, ऐसा यूनिट्स आपके यहीं से डिराइव हो जाएंगे के लिए, सो दैट विल बी वॉट पर मीटर केल्विन, केल्विन कह लो या डिग्री सी कह लो। तो ये क्या हो गया आपका एनर्जी पर यूनिट सेकंड, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, तो ये हो गया जाउल पर सेकंड, दिस बिकेम वॉट, वॉट और ये वाला मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया तो एक मीटर रह गया यहाँ पे और ये केल्विन रह गया, तो ये क्या बन गया वॉट डिवाइडेड बाई मीटर केल्विन। तो दिस इज दी एसआई यूनिट, और इसके डायमेंशंस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन सारी फिजिक्स में से होता है कि आपको पूछ लिया जाए कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के जी बताओ डायमेंशंस, तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ग्रेविटी चैप्टर का है, लेकिन इवन देन इट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर वन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इस तरह से ही आपको मिलती है, और इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों की जो यूनिट एंड डायमेंशंस है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हर चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके डायमेंशन आएंगे वेरी इंटरेस्टिंग, m1 l1 t-3 और θ-1, तो इसको थीटा लिखा जाता है बेटा टेम्परेचर को, तो मैं यहां पर जो t1-t2 लिखा है आई कैन राइट θ1-θ2 ऑल्सो, तो यहां पर डायमेंशन है तो लेट अस राइट थीटा ओनली, अदरवाइज आप अगर t लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर डायमेंशन में टी नहीं लिख सकते क्योंकि डायमेंशन में टी का क्या मतलब है टाइम, तो इसलिए यू कांट राइट टी देयर, तो बंदे को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया डायमेंशन, ठीक है। तो ये आपका बन गया लॉ ऑफ कंडक्शन, सिंपल एंड सोबर, ठीक है जी। बाकी चीजें तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्लीकेशंस हम करेंगे, तो उससे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉगी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी, नो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिकल एनालॉगी। इलेक्ट्रिकल एनालॉगी है कि जैसे मैंने आपको करंट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताया और उससे समझाने की कोशिश की, तो क्या इसको एक्चुअल में आप किसी V=IR जैसे कि हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं, क्या आप उससे रिलेट कर सकते हो? द क्वेश्चन इज दिस, एंड एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, देख लेते हैं। तो देखो, नाउ इन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी हैव Ohm's law, that is V is equal to IR, ठीक है ना। तो और V क्या होता है, एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज V1-V2, तो ये जो होता है ये डेल्टा V होता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो डेल्टा V1-V2 दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, तो वो V1-V2 हो गया, डिवाइडेड बाय R करोगे तो इसमें से जो करंट पास होगा वो आपको पता चल जाता है, तो दिस इज दिस। तो हम इसको यहीं से रिलेट करेंगे, तो I जो है करंट है, करंट विल कम आउट टू बी V1-V2 डिवाइडेड बाय R, एंड फॉर थर्मल कंडक्टिविटी वी हैव, और थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो फॉर्मूला है वो क्या था हमारे पास, dQ/dt, तो उसको मैंने लिख दिया रेट ऑफ हीट फ्लो, सो दैट विल बी KA T1-T2 डिवाइडेड बाय L। तो अब सिंपल बात है, T1-T2 विल बिकम V1-V2, और Q- को मैं, क्योंकि वो रेट है, क्योंकि जो जो करंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और यहां पर क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो वन इज द सेम थिंग। तो जब यहां पर मैं कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग क्यू डॉट कैन बी रिटन एज T1-T2 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय
तो वी कैन से कि जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस है, लेट मी कॉल इट थर्मल रेजिस्टेंस, यस, तो सो थर्मल रेजिस्टेंस, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय के ए. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक है, एल डिवाइडेड बाय के ए. और बिल्कुल सेम है ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला है. अब देखो मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूं जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए. तो यहां पर के क्या है, कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में वन बाय आर होता है, रो होता है. तो आप इसको भी लिख सकते हो एल डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू ए. तो ट्वेल्थ में दिस विल बी द फॉर्मूला दैट यू वुड बी स्टडिंग एज पर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कंसर्न्ड. तो ये क्या है, कंडक्टिविटी. और ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी. तो बेसिकली रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी. तो अब ये के क्या है, आपका थर्मल कंडक्टिविटी है. तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो वो आपके लिए थर्मल रेजिस्टिविटी बन जाएगा. तो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस इज एक्चुअली द टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है ना, अभी आपका इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कितना है. तो रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. तो ये बिल्कुल यहां पर रिलेट होता है जो आपका 12th स्टैंडर्ड में हम करेंगे. ये बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला बनता है. तो अगर कई बार बच्चा भूल जाता है, बच्चे को लगता है यार याद नहीं आ रहा, तो यू कैन रिमेंबर लाइक दैट ऑल्सो. क्योंकि जब आप 12th करोगे तो ये वाला फॉर्मूला तो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन 11th दिमाग से निकलने लगेगी. तो थर्मल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू रेजिस्टिविटी टू एल बाई ए. द ओनली थिंग इज के इस चैप्टर में कंडक्टिविटी की टर्म्स में ज़्यादा बातें होती हैं और इस चैप्टर में रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की टर्म्स में ज़्यादा बातें होती हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, तो ये बन गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस. इज दैट फाइन बेटा, बोलो जी. हाँ भाई, तो इसको आप लिख सकते हो कि मोर इज द दो मिनट बेटा. ठीक है, तो मोर इज द थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक है, बेटर इज इंसुलेशन. ठीक है ना, अब जैसे सर्दियों का टाइम है तो अब आप इमेजिन कर सकते हो बड़े घर ऐसे होते हैं. आप किसी के घर गए होगे, आपने कहीं पे अगर ऐसा सिस्टम देखा तो दीवारों के ऊपर थर्मोकोल चिपका दिया जाता है. जो हमारा नॉर्मल थर्मोकोल है, दीवारों के ऊपर वो थर्मोकोल चिपका होता है. ठीक है, और थर्मोकोल के ऊपर लकड़ी लगाकर ना डिज़ाइन बनाया होता है. तो उससे क्या हो गया, आपके कमरे की इंसुलेशन हो गई. ठीक है ना, इसका मतलब अगर मैंने कमरे में एसी चलाया, मेरा कमरा ठंडा हो गया, तो बाहर से हीट अंदर की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगी, तो मेरा कमरा ज़्यादा ठंडा रहेगा, बिजली का बिल कम हो जाएगा. दूसरी चीज़, सर्दियों में क्योंकि ये इंसुलेशन है तो अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाएगी. ठीक है, तो हमने किया क्या, सारा कुछ लगा के पहले तो उसकी दीवार को चौड़ा कर दिया, पहले तो इसके अंदर हमने थर्मोकॉल लगा दिया. थर्मोकॉल इज बैड कनेक्टर ऑफ हीट. ठीक है ना, थर्मोकॉल लगाया और उसके ऊपर वुड लगा दिया. वुड इज ऑल्सो ए बैड कनेक्टर ऑफ हीट. गेम खत्म है ना. तो बेटर इज द इंसुलेशन. चलो जी, यहां तक हो गया. अब इसके बाद हम चलते हैं जी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ रॉड्स कहें या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स. अब देखो, अब ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर की दोनों में यूटिलिटी है. दोनों किस किस जगह पे, जहां पर आप चाहते हो कि कंडक्शन ज्यादा हो. अब जैसे मान लो कंडक्शन ज्यादा हो, हम कहते हैं यार ठंडा हो जाए. जैसे मेरी कार का इंजन है और कार का इंजन बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, या कोई हीटर है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा है और हमारा वो एपरेटस खराब हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यार किसी ना किसी तरीके से इसकी कंडक्शन को इंक्रीज किया जाए.
लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी इसमें यह भी होगा कि अगर मैंने जैसे आपको कमरे का एग्जाम्पल दिया, तो मैं चाहता हूं कि इंसुलेशन इंक्रीज हो जाए ताकि रेजिस्टिविटी बढ़ जाए, तो ये दोनों ही तरफ हमारे पास इस केस में आता है। तो कंडक्शन का कैसे हमें इंक्रीज करना है और कैसे कंडक्शन को डिक्रीज करना है, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर बनती हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स की तरफ। चलो जी, तो सबसे पहले मेरे पास है सीरीज रॉड्स इन सीरीज। तो रॉड्स इन सीरीज है तो इस वक्त हमारे पास क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लिया जाए मैं कुछ इस तरह की कंडक्शन क्रिएट करता हूं, ठीक है। नाउ दीज आर टू रॉड्स विद डिफरेंट लेंथ्स एंड विद डिफरेंट एरिया, सो व्हाट वी विल डू इन दिस केस। अब अगर आपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 10th में थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा है, तो आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट, आपको फार्मूला पता है कि नहीं पता? सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फार्मूला बताओ बेटा क्या होता है। बिल्कुल, इन इलेक्ट्रिसिटी आर इक्विवेलेंट इज आर वन प्लस आर टू। तो मैं तो आपको पहले से कह चुका हूं कि हमने क्या किया है, इसकी थर्मल एनालॉगी ड्रॉ कर ली है, तो थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये इसका रेजिस्टेंस अलग से फाइंड कर लो, इसका अलग से फाइंड कर लो, दोनों को सीरीज में लगा दिया, ऐड कर दो। तो ये मेरे पास बन गया थर्मली द आर इक्विवेलेंट विल बी गिवन बाय एल वन डिवाइडेड बाय के वन ए वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाय के टू ए टू। तो ये हो गया। अब आर इक्विवेलेंट है तो यू कैन राइट इट एज कि इसकी जो टोटल लेंथ है जी एल वन प्लस एल टू, इसकी टोटल लेंथ हो गई, डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट हो गया। और चलो यहां पर एरिया का प्रॉब्लम आएगा, तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट इक्विवेलेंस, उसमें नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो आप इसको यहीं तक रखो। तो अब आपको पता चल गया कि इसका टोटल जो थर्मल रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसमें अगर मैं हीट ट्रांसफर करने की कोशिश करूं, लेट अस से द टेम्परेचर हियर इज टी वन एंड हियर द टेम्परेचर इज टी टू, तो कैसा बनेगा यहाँ पे। सो डी क्यू बाय डी टी विल बी टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, दैट्स इट। तो ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पे, डी क्यू बाई डी टी द रेट एट विच द हीट विल फ्लो थ्रू दीज टू पाइप्स। तो अब ये आपका टेम्परेचर टी वन है, ये टी टू है, ये मेंटेन्ड है। इस बात को याद रखना है आपने हमेशा, वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसिडरिंग स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी यहां पर टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं। नो, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। टी वन टेम्परेचर था, शुरू से था, और टी टू टेम्परेचर है, शुरू से है, ऐसे। तो हीट इज कॉन्टिन्यूसली, हीट इज फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली, हीट इज फ्लोइंग, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो उसका जो रेट ऑफ हीट आएगा वो ये आएगा। जब इस टेम्परेचर में वेरिएशन आती है तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट। तो ये आपके पास बन गया, इज दैट फाइन बेटा। देखो सिंपल है ना। यस, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है मेरे पास पैरेलल। तो अब पैरेलल भी आपको पता ही है, इसमें नथिंग टू टेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अब हमें पता ही है कि अगर मैं रेजिस्टेंस वैसे ले लूंगा तो फिर क्या होगा। तो पैरेलल का एग्जाम्पल पहले तो डायग्राम बना देते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो पैरेलल का मतलब है कि मेरे पास अब ये दो रोड है यहाँ पे, लाइक दिस, ये होगी दो रोड्स, ठीक है। अब ये दो रोड यहां पर लगी हुई हैं, और ये रहा आपका हाई टेम्परेचर, ठीक है, और ये रहा आपका लो टेम्परेचर।
तो लेट अस कॉल इट टी वन, और जो ग्रीन में है लेट अस कॉल इट टी टू। तो अब आपकी जो रॉड है वो यहाँ पर है भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, दो रॉड्स लगी हुई हैं, दोनों का एरिया अलग अलग है। तो अगर आप टेक्निकल चीज़ों में जाओगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉगी में कन्वर्ट कर दो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इलेक्ट्रिकली तो पहले तो हम आर इक्विवेलेंट ही फाइंड करेंगे और कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ये भी आपको फॉर्मूला याद ही होगा है ना। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और इसके बाद थर्मली या फिर बस मैं ऐसा करता हूँ, चलो थर्मली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर वो कंबरसम हो जाएगी, इक्वेशन कंट्रोल नहीं होगी। तो अब बस आप यही लगा लो कि डी क्यू बाई डी टी विल बी गिवन बाय जो इनका टेम्परेचर डिफरेंस है टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी दिस, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका डी क्यू बाई डी टी, डन। चलो जी, तो ये भी है। हाँ बेटा बोलो। बेटा ये रॉड है तो यहाँ पर उसका एक जो एक एंड जो है वो हाई टेम्परेचर पे है, और दूसरा एंड जो है वो, जैसे मान लो मेरे पास एक रॉड है इस दीवार के आर पार है, तो एक बाहर होगा तो वो बहुत ठंडा होगा और एक अंदर होगा तो गर्म होगा, तो यहीं से जाएगी हीट। या आप यूँ मान लो कि कुकिंग कर रहे हो आप, तो आपने दो कड़छियाँ ली हुई हैं, दोनों कड़छियाँ लगा दी वहाँ पे, फिर तो हीट विल फ्लो थ्रू दी थ्रू बोथ ऑफ द रॉड्स है ना। तो एक रॉड जो है वो मोटी है, दूसरी रॉड पतली है, तो दैट दैट विल हैपन लाइक दैट, इज इट और नॉट। तो ये है आपके पास डी क्यू बाय डी टी। लो जी, आपका कंडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डन है, देर इज नथिंग देयर नाउ। तो इसका कुछ क्वेश्चन आपके सामने कर लेते हैं हम यहाँ पे। चलो आप एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, तो ऑफ हीट फ्लो इन ए थर्मस फ्लास्क इज थ्रू द कोर कर्व मटेरियल। चलो तो अब इन्होंने क्या किया, एक थर्मस है ठीक है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, थर्मस के ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, उसका ढक्कन लगा हुआ, तो ढक्कन के अंदर से हीट आ रही है ठीक है ना। तो हम बोलते हैं हीट इज फ्लोइंग इनटू दी थर्मस फ्लास्क फ्रॉम द टॉप, टॉप कॉर्क ठीक है, ऑफ एरिया, इसका एरिया गिवन है आपको 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, एंड थिकनेस फाइव सेंटीमीटर ठीक है जी। नाउ इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज, नाउ थर्मल कंडक्टिविटी के इज गिवन एज, मैं डायरेक्ट यहीं पे वैसे लिख रहा हूँ, 0.0075 वॉट पर मीटर केल्विन ठीक है। नहीं, इन्होंने सी जी एस में दिया है इसका यूनिट, तो वी आर नॉट गेटिंग इन टू दिस। तो सी जी एस में हम लिखेंगे इसको कैलरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सी, सारा कुछ लिखना पड़ेगा ठीक है। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू
टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस मेंटेन्ड एट 0°C इंटू वॉटर एट 0°C, ठीक है ना, और आउटसाइड टेम्परेचर इज 40°। तो आउटसाइड टेम्परेचर भी आपको गिवन है कि बाहर टेम्परेचर 40° है एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस शुड बी टेकन एज 80 कैलोरी पर ग्राम। आई होप इट इज क्लियर। हो क्या रहा है, मेरे पास एक थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क के अंदर 500 ग्राम ऑफ आइस है, 0° टेम्परेचर पर है, उसको मैं वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो भी 0° पर, ठीक है। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी वो फाइंड कर लो आप, और उतनी हीट इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन है, रेट ऑफ हीट के फॉर्मूला लगाकर आपको फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक। चलो जी करके देखो, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स फॉर दिस। हाँ भाई, आर यू डूइंग, ओके, चलो लेट मी स्टार्ट। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द टोटल हीट दैट इज रिक्वायर्ड। तो मैं यहां पे लिखता हूं हीट रिक्वायर्ड विल बी एम इन टू एल, तो 500 ग्राम मल्टीप्लाई बाय द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80, तो 80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 40,000 कैलोरी हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 40 किलो कैलोरी। इज दैट फाइन, इतनी हीट चाहिए भाई आपको अगर आपने बर्फ को पिघलाना है। यहां तक तो आप पहुंच ही गए होगे। तो अब अगर मैं dQ/dt का फॉर्मूला लगाऊं, तो मेरे पास थर्मस फ्लास्क में क्या है, ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, तो मेरे लिए तो वो एक दीवार की तरह ही है, तो दीवार की थिकनेस भी है, तो हीट ट्रांसफर जो है हीट ट्रांसफर रेट Q डॉट, हाँ बेटा बोलो, ऐसा क्यों बेटा तन्वी, आपको दिख रहा है सब कुछ? बेटा आप एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करके देखो। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय एल, सो ये फॉर्मूला लगेगा यहां पे अब हमारा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो के आ गया आपके पास 0.0075 और कैलोरी CGS, सेंटीमीटर सेकंड, C डिग्री, सब कुछ CGS, ओके। एरिया इज 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 75 कर दो, डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी थी कॉर्क की, 5 सेंटीमीटर, 5 कर दिया। टेम्परेचर डिफरेंस अंदर 0° रहेगा, चाहे आप उसको बर्फ रखो या पानी रखो, और बाहर 40°, तो ये हो गया आपका 40 माइनस 0, सो दैट विल बी टेकन एज 40। तो ये आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहां से फाइंड हो गया, कितना बनेगा 5 और ये 75, तो 15, ठीक है। और अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख लो इसको एक बार, तो बाद में करेंगे कैलकुलेट। 0.075 इंटू 15
इंटू 40, तो लेट अस कीप इट लाइक दैट ओनली। तो इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, जाउल पर सेकेंड, तो अब मुझे टाइम चाहिए, सॉरी कैलरी पर सेकेंड, तो मैं किलो कैलरी में एंटर नहीं कर रहा हूँ, कैलरी पर सेकेंड है ना। तो अब इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो टाइम पता चल जाएगा। सो टाइम ड्यूरेशन विल बी 40,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 40, तो अब ये कितना हो गया, ये सर डेसिमल हटा दिया हमने, और 10 से 104 से, अरे बाप रे बाप, 10^7 कर लो इसको, बड़ा ही गंदा सिस्टम है, और इतने सेकंड्स लगेंगे, तो 10^7 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आप इसको 10/5 कर लो और 100 कर दो, 25 4s are 25 3s are, ठीक है। एंड कैन वी डू समथिंग एल्स ऑल्सो, 15 ये तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो मैं यहां से आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं बेटा, 4 × 10^5 डिवाइडेड बाय 45, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8.9 × 10^3 सेकेंड्स, तो जिसको अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो इट विल कम 2.47 आवर, तो इतने घंटे लगेंगे आपकी उस बर्फ को पिघलने में, ठीक है। अब देखो, अब हमने किया क्या, हमने बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह ही किया, हमने हीट ट्रांसफर किया, तो लेटेंट हीट को लेकर आए पिक्चर में, और उसका देखा कितनी हीट चाहिए, फिर कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैसे फाइंड किया, कंडक्शन के थ्रू, हो गया, इज दैट फाइन बेटा। लो जी, तो अब 350 हो गए हैं, आई सपोज इट इज द टाइम दैट वी शुड लीव, ठीक है।